तो रोड टू रेसलमेनिया 38 ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। एलिमिनेशन चेंबर 2022 WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है और वहां पर काफी सारे मैचेस WWE ने ऑफिशियल कर डाले। बात करें रेसलमेनिया के बारे में, वहां पे भी यूनिवर्सल टाइटल मैच रेसलमेनिया 38 की नाइट 2 का जो मेन इवेंट है वो भी हो चुका है ऑफिशियल। लेकिन लग ऐसा रहा है कि WWE चैंपियनशिप जो मैच होने वाला है रेसलमेनिया में वो WWE ने गलती से लीक कर डाला है। एंड गेस व्हाट, लग ऐसा रहा है कि लेजनर एलिमिनेशन चेंबर में चैंपियनशिप को जीतने वाले नहीं है। साथ ही में बात करेंगे ओरिजिनल प्लान्स के बारे में जो कि WWE के पास एलिमिनेशन चेंबर के लिए थे और उस मैच में रिडल की जगह कोई और सुपरस्टार होना था और वो करंटली चैंपियन है। रे मिस्टीरियो ने भी हिंट दे कि वो WWE से हो सकते हैं इसी साल रिटायर, जो कि डेफिनेटली सैड न्यूज है। प्लस बात करेंगे एलेक्सा ब्लिस के बारे में और एलेक्सा ब्लिस कब तक वापस आएंगी, क्या वो अगली वीर महान बन चुकी है, इसको लेकर भी एक अपडेट आई है सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो पर हम लोग शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ में, WWE के एलिमिनेशन चेंबर 2022 और रिसेंटली हुए मंडे नाइट रॉ के अंदर कुछ बड़े बड़े चेंजेस के बारे में जुड़ी। अब देखो, हम जानते हैं विंस मैकमैन भाई किस टाइप का इंसान है, वो कैसा इंसान है। आप पूरी मेहनत लगा के स्क्रिप्ट उसके पास लेके आओगे, अगर उसे पसंद नहीं आई वो तुम्हारी मेहनत को घंटा फर्क नहीं पड़ता कितनी की है, एकदम साइड में फाड़ के फेंक देगा, कहेगा भैया ये क्या स्क्रिप्ट बनाई है। और ऐसे कुछ होता है रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर और एक बार फिर से WWE की तरफ से काफी सारे लास्ट मिनट चेंजेस किए जाते हैं। अभी फिलहाल एलिमिनेशन चेंबर 2022 के लिए WWE टाइटल मैच ऑलरेडी ऑफिशियल है, ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस स्टाइल्स वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस लेसनर वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस रिडल के बीच में। लेकिन बताया जा रहा है कि WWE का ये जो मैच है वो ओरिजिनल प्लान नहीं था एलिमिनेशन चेंबर में होगा। प्लान ये था सिर्फ कि एलिमिनेशन चेंबर 2022 के अंदर बॉबी लैशली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे और उस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस तो डेफिनेटली होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी WWE जो मेन इवेंट के अंदर मैच ऑफिशियल करने वाली थी वो मैच रोंडा राउजी को लेकर नहीं था या फिर रोंडा राउजी का सेगमेंट नहीं था, बल्कि वो एक फेटल फाइव वे मैच होने वाला था। और जो हमें क्वालिफाइंग मैचेस देखने के मिले ना मंडे नाइट रॉ के अंदर, जहां ऑस्टिन थ्योरी ने केविन ओवेंस का फेस किया, स्टार्स ने रे मिस्टीरियो का किया और रिडल ने ओर्टिज का किया, ये मैचेस भी नहीं होने वाले थे बल्कि फेटल फोर वे मैच होता, फेटल फाइव वे मैच होता शो के मेन इवेंट के अंदर। वहां डेमियन प्रीस्ट, ऑस्टिन थ्योरी, केविन ओवेंस, एजे स्टार्स और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आपस में फेस करते और ये मैच इसलिए होता क्योंकि जो हारता यानी कि जिसको पिन होता इस वाले मैच के अंदर वो हो जाता बाहर एलिमिनेशन चेंबर के इस मैच से और जो बाकी चार सुपरस्टार थे इस फेटल फाइव वे मैच के वो चले जाते एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, जो कि WWE की काफी यूनिक स्टिपुलेशन टाइप मुझे लगी। और आई गेस इस मैच के अंदर केविन ओवेंस को पिन होने वाला था क्योंकि जो केविन ओवेंस हम जानते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर ज्यादातर कंपीट करते नहीं है और डेमियन प्रीस्ट को लगा ऐसा था WWE एक्चुअल में डालना चाह रही थी उस एलिमिनेशन चेंबर मैच में रिडल की जगह। लेकिन आखिरी टाइम पे उन्हें ऐसा लगा नहीं भैया रिडल को डालना चाहिए और रिडल ओटिस का जो मैच होने वाला है जो कि अभी फिलहाल उनकी आर के ब्रो वाली स्टोरी से ही चल रहा है, क्यों ना उसी के अंदर ऐड कर दिया जाए और रिडल को भेज दिया जाए एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। वरना ओरिजिनल प्लान्स के अकॉर्डिंग आई गेस डेमियन प्रीस्ट वो सुपरस्टार होने वाले थे जो कि एंट्री लेते उस एलिमिनेशन चेंबर मैच में। लेकिन मेरे हिसाब से WWE को डेमियन प्रीस्ट का एक सेपरेट मैच बुक करना चाहिए एलिमिनेशन चेंबर के लिए और वहां पर उन्हें अपने US टाइटल को डिफेंड करना चाहिए। इसको लेकर आपको क्या ओपिनियन है, क्या आपके हिसाब से रिडल एक अच्छे चॉइस है या फिर रिडल की जगह होने चाहिए थे डेमियन प्रीस्ट, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे, आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार 619 रे मिस्टीरियो के बारे में जुड़ी है। अब रे मिस्टीरियो को हम लोग देख रहे हैं भैया इस एज के ऊपर भी एक जवान छोकरे की तरह, छोकरा साबुन होते आए ना, लेकिन एक जवान लौंडे की तरह हमें रिंग के अंदर कम्पीट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भाई अगर आप उनके मैचेस देखोगे आप ये कह नहीं सकते जो इंसान है 45 से अबव उनके जो मूव्स हैं वो काफी ज्यादा क्लीन वे में कनेक्ट होते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में रे मिस्टीरियो ये बात का हिंट देते कि मे बी WWE से वो इस साल यानी कि साल 2022 के बाद रिटायर हो सकते हैं। रे मिस्टीरियो अपने इंटरव्यू के अंदर कहते हैं देखो जो मेरा WWE का एक बार फिर से रिटर्न थी वो मेनली इसलिए थी ताकि मैं अपने बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को WWE के अंदर एक अच्छा करियर दे पाऊं और एक अच्छी उसे शुरुआत दे पाऊं जो कि उसे ऑलरेडी मिल चुकी है। वो WWE के अंदर रेसल इजी वे में कर सकता है, जहां तक मुझे उसका फ्यूचर दिख रहा है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। लेकिन WWE से मैं तभी रिटायर होने वाला हूं जब जो मेरा बेटा है वो अपने पैरों के ऊपर एकदम सही वे में खड़ा हो जाएगा। उनका कहने का मतलब ये जब डोमिनिक मिस्टीरियो उनके बिना यहां WWE के अंदर सारी चीजें खुद मैनेज कर लेंगे तब जाके रे मिस्टीरियो सोचेंगे WWE से रिटायर होने का। और रे मिस्टीरियो के अकॉर्डिंग उनके जो बेटे यानी कि डोमिनिक है वो इस साल के आखिर तक चीजों को खुद ही संभाल लेंगे और तब जाके फाइनली रे मिस्टीरियो WWE से रिटायर होंगे। और फिर जो हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो WWE के अंदर एज अ सिंगल प्योर सुपरस्टार हमें देखने के लिए मिलेंगे, उनके साथ में कोई टैग टीम नहीं होगी, वो सिंगल डिवीजन के अंदर मेल के कंपीट करते हुए नजर आएंगे। WWE की मर्जी है उन्हें वो मेन एंट्री कार्ड में रखे या फिर मिड कार्ड के अंदर रखे। अब बात करूं मैं रे मिस्टीरियो के बारे में, आई गेस रे मिस्टीरियो को एटलीस्ट रिटायरमेंट होने से पहले टैग टीम चैंपियनशिप और US टाइटल के अलावा एक और कोई टाइटल कैप्चर करनी चाहिए और क्यों ना वो कोई मेन चैंपियनशिप हो, या चाहे वो WWE टाइटल हो चाहे वो अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो। मेरे हिसाब से रे मिस्टीरियो एटलीस्ट अपनी इस वाली तगड़ी रिटर्न के लिए एक मेन टाइटल डिजर्व करते हैं। आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है, जब रे
स्टूडियो ने कहा कि मे बी वो इस साल हो सकते हैं रिटायर। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो WWE के अगले वीर महान यानी कि अलेक्सा ब्लेस के बारे में जुड़ी है। वीर महान की कहानी चल रही है हमारे, वीर महान इज कमिंग टू रॉ, और अलेक्सा ब्लेस की चल रही है अलेक्सा ब्लेस जर्नी टू रॉ। तो भैया जर्नी और कमिंग बात बराबर है क्योंकि दोनों के दोनों अभी तक मंडे नाइट रॉ में नहीं है, और रिसेंट टाइम में इसको लेकर कुछ अपडेट्स आती हैं सामने। और बताया जा रहा है कि WWE ने जो अजीबोगरीब अलेक्सा ब्लेस के सेगमेंट है ना, वो हॉस्पिटल या फिर अजीब से डॉक्टर के पास में, वो WWE ने ऑलमोस्ट 9 के आसपास टेप की हैं, यानी कि 9 प्रोमो सेगमेंट वो WWE के पास है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ अभी तक उन्होंने 2 हमें ऑन टेलीविजन के ऊपर दिखाए हैं। इसका मतलब ये कि WWE अभी 9 और मंडे नाइट रॉ के अंदर इस कहानी को घसीटने वाली है, और तब जाके अलेक्सा ब्लेस का मंडे नाइट रॉ में फाइनली एक बार फिर से वापसी होगी, रिटर्न होगा, डेब्यू होगा, जो मर्जी कह लो। लेकिन ये चीज मुझे सही में काफी वाहियात लगी। लेकिन इवन बताया भी जा रहा है हो सकता है WWE एक दिन में 2-2 में प्रोमोस दिखाती हुई नजर आए, जब उन्हें ऐसा लगे फाइनली अलेक्सा ब्लेस को जल्दी बुला लेना चाहिए। वरना भैया जो अलेक्सा ब्लेस है हमारी, उन्होंने 9 प्रोमोस टेप कर लिया, और 9 प्रोमोस के बाद जाके हमें अलेक्सा ब्लेस एक बार फिर से वापस आती हुई नजर आएंगी। और मैं सही बता रहा हूं, अगर 9 प्रोमोस के बाद भी अलेक्सा ब्लेस भूतिया वाली वापस आते ना, तो WWE से बड़ा गधा कोई भी नहीं है। अगर 9 प्रोमोस के बाद जाके अलेक्सा ब्लेस का जो गॉडेस वाला कैरेक्टर है वो एक बार फिर से वापस आता है, तब भैया मैं इंतजार करने के लिए पूरे तरीके से रेडी हूं। लेकिन अगर यही विक्रम वेताल वाला भूतिया चुड़ैल वाला पापी गुड़िया वाला जो करेक्टर वापस आता तो भैया WWE एकदम पगला चुकी है, मैं सही बता रहा हूं। लेकिन इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जब 9 हफ्ते और या फिर मे बी 9 प्रोमोज और बाद में अलेक्सा ब्लेस मंडे नाइट रॉ में आती हुई नजर आएंगी, क्या इतने टाइम तक लौंडे इंतजार कर पाएंगे? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे, आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो रेसलमेनिया 38 के बारे में जुड़ी है। ऑलरेडी रोड टू रेसलमेनिया काफी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। एलिमिनेशन चेंबर अगला शो होगा, वहां रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग होने वाला है। यूनिवर्सल टाइटल मैच ऑलरेडी सेट हो चुका है रेसलमेनिया 38 की नाइट 2 के लिए, और नाइट 1 के लिए भी जो मेन इवेंट है वो WWE ने कंफर्म कर डाला, जहां पर रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर का मैच होगा। लेकिन लग ऐसा है WWE ने गलती से जो हमारा WWE चैंपियनशिप मैच होगा ना रेसलमेनिया में, वो भी लीक कर डाला है। होता है कि रिसेंट टाइम में ये वाली अपडेट आती है सामने, और जो रेसलिंग एजेंसी वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इस चीज को हमें पोस्ट करता हुआ नजर आता है। वो बताते हैं जब रिसेंटली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो था, तब बताया जा रहा है कि 27 मार्च 2022 के लिए, जो कि स्मैकडाउन का एक लाइव इवेंट, एक हाउस शो है या फिर सुपर शो है, उस शो के लिए WWE ने कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए थे वहां लोकल एडवर्टीजमेंट के ऊपर। और जो वहां मैच एडवर्टाइज किए जा रहे हैं वो है बॉबी लैशली वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स के बीच में। नॉन टाइटल मैच होगा, WWE टाइटल ऑन द लाइन होगी, इसमें से कोई भी चीज एडवर्टाइज नहीं है। लेकिन बस भैया ये बताया गया 27 मार्च को होने वाला WWE का हाउस शो लाइव इवेंट, वहां पर ये ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, जल्दी से जाओ टिकट बुक करके आओ। इसके अलावा एक और ट्रिपल थ्रेट मैच एडवर्टाइज किया जा रहा है, जो कि और पॉसिबिलिटी रिवील करते हैं रेसलमेनिया के मैच कार्ड को, और वो है बेकी लिंच वर्सेस रिया रिपली वर्सेस बियांका बेलेयर के बीच में। ऑलरेडी हम जानते हैं भैया जो रोंडा राउजी है फेस करेंगी शार्लेट फ्लेयर का, इसका सीधा मतलब ये कि बेकी लिंच के पास रेसलमेनिया का अपोनेंट नहीं होने वाला है। और लग ऐसा है जो बियांका बेलेयर और हमारी रिया रिपली उनको एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है चैंपियनशिप के लिए, जो WWE है उनको मौका देगी, और इन तीनों का रेसलमेनिया के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। और वहीं अगर मैं बात करूं एलिमिनेशन चेंबर के बारे में, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ये वाली फीलिंग आ रही है, मैं बुलेट ट्रेन की तरह तेज नहीं हो गया, मुझे अंदर से ये वाली फीलिंग आ रही है कि भैया जो WWE टाइटल है वो रिटेन होगी एलिमिनेशन चेंबर में, एंड देन लैशली इज सेट टू डिफेंड हिज चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। और आई गेस ये ट्रिपल थ्रेड मैच एक बैंगर होने वाला है। आई मीन है कि मैच के अंदर आपको AJ स्टाइल्स मिले, उसी मैच में सेथ रॉलिंस मिले, और उसी में हमारे ऑलमाइटी फॉर्मर लॉन्डिया भास्करन WWE चैंपियन बॉबी लैशली मिल जाए। और अगर ये ट्रिपल थ्रेड मैच हो वो भी WWE चैंपियनशिप के लिए, उस टाइम पे जब हम लोग ये सोच रहे हैं कि सेथ फाइनली चैंपियन बनेंगे, उस टाइम पे जब हम ये सोच रहे हैं कि AJ स्टाइल्स एक बार फिर से चैंपियन बनेंगे, तो शायद जो चीज है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल होने वाले अगर WWE ये वाला मैच ऑफिशियल करती है। देखो रोड टू रेसलमेनिया के लाइव इवेंट से या फिर सुपर शो से हमें एक अंदाजा लग जाता है कि WWE कौन सी स्टोरी के साथ जाएगी, और ये मैच अगर कंफर्म हो यहाँ पर WWE टाइटल मेंशन नहीं हो थोड़ी अलग बात है। लेकिन देखो हलवा थोड़ी है तीनों आपस में कंपीट करने वाले, वो बिना फजूल के ऐसा तो होगा नहीं कि विनर गेट्स हलवा टू ईट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई चीज ही ऑन द लाइन होगी, तभी ये जो तीनों है वो आपस में लाइव इवेंट में फेस करेंगे। लाइव इवेंट्स के अंदर ऑफकोर्स हमारे जो लैशली लगातार चैंपियनशिप्स को रिटेन करने वाले हैं, लेकिन अगर ये मैच रेसलमेनिया में होता है आगे समय न्यू चैंपियन मिलेगा, चाहे वो AJ स्टाइल्स और चाहे वो हो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, क्या आप देखना चाहोगे ये वाला मैच? और क्या आप देखना चाहोगे लैशली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करे एलिमिनेशन चेंबर में, तब जाके स्टाइल्स वर्सेस लैशली वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हो, और वो भी रेसलमेनिया के अंदर? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर दो नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कर देना बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत ही ज्यादा
जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।